आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के 8वें दिन सदन में अखिलेश ने बीजेपी को घेरा। बजट सत्र में चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने सरकार को नीति आयोग द्वारा जारी आंकड़ों पर घेरा। साथ ही सरकार से कहा कि वो बताए कि कैसे प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी स्टेट बनाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए सीएम योगी को समाजवाद का अध्ययन कर उसे लागू करना चाहिए, क्योंकि बिना समाजवाद के रामराज्य नहीं लाया जा सकता। इस खबर पर हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव हमसे जुड़ेंगे। गौरव, जहां एक तरफ सरकार बजट को लेकर तमाम खूबियां गिना रही है, वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी को जमकर घेरा है। देखिए, यहाँ पर परंपरा तो वही है और विपक्ष की भूमिका भी यही होती है कि जब कोई सत्र आता है तो वहां पर जो विपक्ष की भूमिका वहाँ पर निर्वाह करना जरूरी हो। अखिलेश यादव फिलहाल इसी भूमिका का निर्वाह करते नजर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर विधानसभा सत्र के दौरान जो बजट आया था, बजट के बाद, बजट पर अभिभाषण के बाद यहाँ पर चर्चा होनी थी और यहाँ पर अखिलेश यादव ने तमाम बिंदुओं पर यहाँ योगी सरकार को घेरने का काम किया है, क्योंकि उनका कहना है कि अगर कानूनी व्यवस्था की बात करें, इन्वेस्टर समिट की बात करें, रोजगार की बात करें, ओडीयूपी की बात करें, तमाम मुद्दों पर लगातार सरकार घेरते नजर आए। उनका कहना है कि सरकार के जो वादे थे वो केवल दिखावे के, तो केवल इवेंट मैनेजमेंट के नाम पर सरकार यहाँ पर दोबारा सरकार में आई है और फिलहाल जनता ने जो सोचा था वो यहाँ पर नहीं हो पा रहा है और विपक्ष की भूमिका के चलते यहाँ पर हम सरकार के हर कमी को उजागर करेंगे और सरकार चाहे इतना प्रयास कर ले, हमारी आवाज़ दबाने का, हम आवाज़ अपनी नहीं दबाएंगे और यहाँ पर सरकार की सारी नीतियों को यहाँ पर खुलासा करने के लिए समाजवादी पार्टी प्रतिबद्ध नजर आ रही है। गौरव, जहां समाजवादी पार्टी के नेता रामचरितमानस को लेकर लगातार विवादित बयान दे रहे थे, तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहे थे, वहीं अखिलेश यादव ने सदन में कहा है कि हम रामचरितमानस के विरोध में नहीं हैं। देखिए, उनका कहना है रामचरितमानस के विरोध में नहीं है, पर जो बात है उन्होंने कही, अगर किसी भी धार्मिक ग्रंथ में किसी को लेकर टिप्पणी की जाती है या शायद वो बात ठीक नहीं है या हो सकता है कि उसमें कोई त्रुटि हो तो उसको अगर सही कराने की बात कही जा रही है तो उसमें बखेड़ा क्यों बनाया जा रहा है। और उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि रामचरितमानस को लेकर बीजेपी चार मुख्य विवाद को बढ़ाती नजर आ रही थी। बिहार में अगर ये विवाद हुआ था, उसके बाद जब उत्तर प्रदेश की शुरुआत हुई, जब उनके नेता ने इस तरह के बयान दिया, उसके बाद उनका कहना था कि चार मुख्य विवाद को हवा दी गई, क्योंकि बीजेपी की राजनीति है वो 80-20 की राजनीति है, इसके चलते उस तरह के विवादों को हवा देते हैं। वो खुद चाहते हैं अगर इस तरह के विवाद आते हैं उनको हवा ज्यादा दी जाए और जनता के बीच में एक संदेश जो बीजेपी देना चाहती है उसी संदेश के हिसाब से, उसी विचारधारा के हिसाब से चुनाव लड़ना चाहती है, आगामी अगर निकाय चुनाव की बात करें और चाहे 24 चुनाव की बात करें। गौरव, अखिलेश ने सरकार से सीधा सवाल किया है कि वो बताएं कि कैसे प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी स्टेट बनाएंगे। जी बिल्कुल मयूरी, उनके सवाल भी जायज भी है, क्योंकि अगर बताएं लगातार इन्वेस्टर समिट हुई है, आंकड़ा कितना आया, क्योंकि निवेश में एमयूस साइनों का अर्थ ये नहीं होता है कि निवेश आ गया, निवेश आना, एमयूस साइनों का निवेश को धरातल पर उतर जाना ये बहुत जरूरी होता है। धरातल पर उतरेगा तो निश्चित रूप से रोजगार की समस्या नहीं होगी, इन्फ्लेशन समस्या नहीं होगी और जो सरकार 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करती है उसका पूरा किया सकता है। और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि निवेश धरातल पर उतरे और निवेश के लिए अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार निशाना मारता है। उनका कहना है कि पहले भी कई इन्वेस्टर सबमिट हुई और मामला बहिरा ढाक के 3 बार और ऐसा नहीं है कि निवेश उतरा नहीं है, जो उतरा होता तो नजर भी आता और फिलहाल सरकार ने 33 लाख करोड़ का जो लक्ष्य बनाया था पूरा किया है। उस पूरे लक्ष्य को पूरा करते समय 18,543 एमए भी साइन किए हैं, पर एमए भी कितना साइन हो गए, ओडीपी पूर्ति की क्या दिक्कत है। बजट में उन्होंने जो स्टार्टअप नीति है उसके लिए केवल 100 करोड़ की सीड फंडिंग के लिए कहा कि 100 करोड़ के फंड से क्या होगा, कैसे नीति बनाएंगे, बेरोजगारी कैसे खत्म करेंगे, सरकार की तमाम नीतियों पर उन्होंने शंका उठाई। उन्होंने कहा केवल क्या बात कर सकते हैं, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना आसान नहीं है और केवल एमओयू कराने से और इन्वेस्टर समिट कराने से यहाँ पर आप प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को सुधार नहीं सकते हैं। गौरव, अखिलेश ने सीधा बजट पर सवाल उठाते हुए कहा है कि कई विभागों को बजट ही नहीं मिला है। जी बिल्कुल, उन्होंने बात कही है, क्योंकि अगर बजट की बात कहें तो उन्होंने कहा ओडीओपी के लिए जो आपने बजट दिया है वो नाकाफी है, जो स्टार्टअप नीति सीड फंड होता है उसका बजट आपने केवल 100 करोड़ दिया है वो नाकाफी है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो खाद्य प्रसंस्करण विभाग के लिए आपने कोई अलग से बजट आवंटित नहीं किया है, जबकि खाद्य प्रसंस्करण विभाग के लिए अलग से बजट आवंटित होता है। अगर हम बात ग्रामोद्योग के लिए अलग से कोई बजट आपने आवंटित नहीं किया है, उनका कहना था कि सरकार ने बजट तो बनाया है पर बजट की रूपरेखा है जो कि आपके बेरोजगारी को कम करने में एक मददगार साबित हो सकती है, उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। शिक्षा
शिक्षा कृषि या तमाम किसानों को लेकर उन्होंने बजट की प्रारूप बताया है। गोवंश पे भी 750 करोड़ की योजना लाई गई है, प्रधानमंत्री आवास पे भी योजना लाई गई है, पैसा दिया गया है। पर जो महत्वपूर्ण चीजें हैं कि बेरोजगारी खत्म करने के लिए आपको स्टार्टअप नीति की बात करें, चाहे खादी ग्रामोद्योग की बात करें, चाहे खाद्य प्रसंस्करण विभाग की बात करें, जहाँ पर बजट ढंग से आवंटित किया जाना था, और अगर बजट ढंग से आवंटित किया है तो शायद बेहतर यहाँ पर तस्वीर हो सकती है। आने वाले समय में अनुपूरक बजट में हो सकता है इस तरह को प्रदेश सरकार चीजों को सामने लेकर आ सकती है। गौरव, जैसा भी अपने गौवंश को लेकर बताया, वैसे भी अखिलेश यादव ने सदन में कहा है कि छुट्टा जानवरों से जिनकी जान जाएगी, क्या उनको मुआवजा मिलेगा? उन्होंने सरकार से ये सवाल किया है। देखिए, सरकार समय समय पर तमाम तरह की नीति लाने देती है। अभी हमने देखा कि सर्पदंश से पहले मुआवजा नहीं मिलता था, अब सर्पदंश से 4 लाख का मुआवजा है। पहले देखते थे कि अगर कहीं पर बिजली आकाशीय बिजली गिरती थी उस समय मुआवजा केवल 2 लाख का मुआवजा होता था, वो मुआवजा 4 लाख का कर दिया गया है। बाढ़ से मुआवजा अगर होता तो वहाँ भी 4 लाख की व्यवस्था की गई है। और छोटा जानवर अगर नुकसान करते हैं तो किसानों के बीमा संबंधित बीमा राशि मिलती है। इसके अलावा सरकार और तमाम नीतियों को सामने लेकर आने वाली है कि अगर छोटा जानवर नुकसान करते हैं उसका भरपाई भी सरकार करेगी, बीमा कंपनी भी करेगी। इसके अलावा बात कहें कि जो नुकसान की बात कहें तो छुट्टा जानवर के लिए उन्होंने कहा है कि हम ऐसी नीति बनाएंगे कि गोवंश को वहां पाला सके। इसी गोवंश के लिए उन्होंने 750 करोड़ की यहां पर बजट के प्रावधान किया है, और निश्चित रूप से गौशाला, लक्ष्मण गौशाला या गौशालाएं या गोवंश की पूरे देखरेख हो सकती है, और कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो गोवंश से संबंधित उत्पाद हैं उनकी बढ़ोतरी करेंगे। और निश्चित रूप से उनकी जो अगर गोवंश से संबंधित उत्पादों की बात करें तो उनकी देश विदेश में निश्चित रूप से यहाँ पर मांग होती है। और कहीं ना कहीं तमाम नीतियों के माध्यम से जो गोवंश की जो आज समय जो हालत अगर खराब है उसको बेहतर कर सकते हैं, निर्यात बढ़ा सकते हैं, और जो 750 करोड़ का बजट सरकार ने आवंटित किया है उसका सही उपयोग यहाँ पर हो सकता है। मयूरी जी, धन्यवाद गौरव तमाम जानकारियों के लिए। उमेश हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एसटीएफ ने नफीस अहमद को हिरासत में लिया है। नफीस अहमद क्रेटा कार का मालिक है। एसटीएफ पुलिस की टीमें नफीस से पूछताछ कर रही है। माफिया अतीक अहमद का करीबी है नफीस। खबर पर हमारे संवाददाता सागर हमसे जुड़ेंगे। सागर, जैसा कि आप देख रहे हैं, लगातार समय बीत रहा है और लगातार इस मामले में एक्शन जारी है। क्रेटा कार के मालिक तक पहुंच गई है एसटीएफ टीम और पुलिस। जी देखिए, बिल्कुल बता दूं, ये घटना 24 फरवरी की थी, जहां पर उमेश पाल नाम के जो गवाह हैं, राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह थे, उन्हें उनके घर में घुस के गोलीबाजी करके बमबाजी करके उसमें उनकी मौत हो जाती है, और इसमें गनर की भी मौत हो जाती है, और जो दूसरा गनर उन्हें PGI से लखनऊ रेफर किया जाता है, फिलहाल उसकी भी हालत काफ़ी गंभीर बनी हुई है, वो PGI के ICU वार्ड में रखा गया है। अब रही दूसरी बात यहाँ क्रेटा कार की, तो क्रेटा कार नफीस अहमद के नाम पर थी, लेकिन उसने रुखसार को कुछ महीने पहले ही बेची थी, और उसके बाद से उसमें नंबर बिना नंबर प्लेट के वो कार जो है इलाहाबाद की सड़कों पर नाच रही थी। तो कहीं ना कहीं पुलिस और एसटीएफ के लिए बड़ी चुनौती बन गई थी कि जो हमले में घटना में प्रयुक्त क्रेटा कार है, क्योंकि वो अतीक अहमद के घर के बगल में ही उसके खाली प्लॉट में मिली थी लावारिस हालत में। उसके बाद से लगातार पुलिस जो है अतीक अहमद के गुर्गों पर शिकंजा कस रही है। 40 से अधिक गिरफ्तारी कई अलग अलग शहरों में, अलग अलग जिलों में हुई है अतीक अहमद के गुर्गे की। और नफीस अहमद, सबसे बड़ी बात बता दूँ, ईट ऑन बिरयानी नाम के रेस्टोरेंट चलाता था GTB नगर में, और बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था इसका, और कुल मिला के लाखों की कमाई रोज होती थी, और अतीक का ये फाइनेंसर भी था और गुर्गा भी था कहीं ना कहीं। तो फिलहाल घटना के बाद से, जब से ये घटना हुई है 24 तारीख के बाद से, जो महिला है जिसको कार बेची थी नफीस अहमद ने, वो भी फरार है, और जो नफीस अहमद है वो भी फरार है, और पुलिस की कई टीमें, एसटीएफ हो गया, ATS हो गया, और UP पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही हैं। फिलहाल देखना ये भी होगा कब तक नफीस गिरफ्त में आता है, और गिरफ्त में आने के बाद क्या क्या राज खोलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो घटना का जो मुख्य सरगना है सदाकत, उसकी भी तस्वीरें वायरल हो रही हैं कहीं ना कहीं, तमाम जो देश के बड़े राजनीतिक नेता हैं, फिलहाल ये तो लीक से हट के बात है, लेकिन कहीं ना कहीं जो नफीस है वो बहुत बड़ा कनेक्शन माना जा रहा था अहमद का, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये फाइनेंसर था, और ईट ऑन रेस्टोरेंट, ईट ऑन बिरयानी नाम से रेस्टोरेंट चलाता है, और लाखों की कमाई है,
तो देखना ये भी बहुत बड़ी बात है एटीएस के लिए, एसटीएफ के लिए, कि कब तक नफीस की गिरफ्तारी संभव है। जी सागर, अतीक अहमद का करीबी बताया जा रहा है नफीस अहमद, तो आगे और किस तरह की एक्शन हो सकती है इस पूरे मामले में? देखिए बता दूं कि सबसे पहले आपको बात बता दूं कि इसमें इस हमले में 9 शूटर थे, गुड्डू मसीह था, अरमान था और तमाम 3 से 4 लोगों के अभी नाम सामने आए हैं। फिलहाल 9 लोगों की पहचान हो गई है और एक अरबाज था जिसको कल यूपी पुलिस ने इनकाउंटर में ढेर कर दिया है। उसी समय वो क्रेटा कार वही चला रहा था, तो असद का ड्राइवर था, अरबाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। और दूसरी बात ये कि राजनीतिक दल है भाजपा, उसके सीएम योगी है, उसके मुख्यमंत्री सीएम योगी ने साफ तौर पर एक सदन में अपना बयान ये भी कहा है कि कोई भी गुंडा हो, कोई भी बदमाश हो, उसको मिट्टी में मिला देंगे, बर्बाद कर देंगे। तो कहीं ना कहीं बर्बाद करने की जो चुनौती थी यूपी सरकार की, यूपी पुलिस की, वो कल से शुरू हो गई है। और बाकी जो बचे 8 हैं उनका भी नंबर शायद बहुत जल्द आने वाला है। और गिरफ्तारियों की बात करूँ, लगातार गिरफ्तारियाँ हो रही हैं और अतीक के गुर्गों की लगातार गिरफ्तारियां हो रही है, क्योंकि इस केस को बहुत बड़ा एक केस माना जा रहा है, क्योंकि दिन दहाड़े एक मुख्य गवाह की हत्या कहीं ना कहीं यूपी पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, सूचना तंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित हो रही है। तो उसमें लगातार अतीक के गुर्गों की गिरफ्तारी हो रही है, पूछताछ हो रही है, एसटीएफ रोजाना कहीं ना कहीं दबिश दे रही है, किसी ना किसी को उठा रही है। फिलहाल अभी इन सब चीज़ों को गुप्त रखा गया है कि कितनों की गिरफ्तारी संभव है, लेकिन जहाँ तक मैं बता दूँ आंकड़ों के तौर पर, तो जहाँ तक प्राइम टीवी को पता है कि 40 से 50 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। देखना ये भी है कि पूछताछ में क्या कुछ सामने निकल कर आता है, जो भी घटनाक्रम के पीछे जो लोग हैं उनका नाम कब तक उभर के सामने आता है, क्योंकि बहुत बड़ी घटना है और एक बाहुबली से जोड़ा जा रहा है और अतीक अहमद की मुश्किलें अब शायद बढ़ना और भी बढ़ सकती है। जी सागर, जिन आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है, किस तरह का ऑपरेशन चलाया जा रहा है, कहां कहां छापेमारी की जा रही है, क्या इसकी कोई जानकारी है? जी देखिए आपको बता दूं कि यूपी बिहार समेत जो तमाम जो आसपास के राज्य हैं, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, और जो आसपास के जो ज़िले हैं, जो प्रयागराज के पास के ज़िले हैं, जैसे बनारस हो गया, आजमगढ़ हो गया, यहाँ पर भी लगातार यूपी एसटीएफ छापेमारी करी, क्योंकि घटना के दिन से ही एडीजी एलओ प्रशांत कुमार और एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश वहाँ पर तैनात हैं, एक डेरा डाले हुए हैं। और सबसे बड़ी बात बता दूँ, ये चुनौती नहीं है एसटीएफ के लिए, क्योंकि इससे पहले भी एसटीएफ कई चुनौतियों को निपटा चुकी थी। बात करूँगा यहाँ पे सबसे यूपी के सबसे 2 बड़े काबिल अफसरों पे सीएम योगी ने एक बहुत फिर से भरोसा जताया, क्योंकि कहीं ना कहीं अमिताभ यश की बात करूँ तो एसटीएफ के अमिताभ यश एडीजी हैं इस समय, और उस समय की बात है, मायावती शासनकाल की बात है, इन्होंने एक बहुत बड़ा डाकू हुआ करता था, डकैत हुआ करता था, बागी हुआ करता था, जदुआ, उसका इनकाउंटर किया था। तो तब से ये शासन की निगाहों में हमेशा से चमकते आए सितारे हैं। और दूसरी बात बता दूं, एसटीएफ के हाथ से फिलहाल अभी तक तो कोई बच नहीं पाया, ना ही बच पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती है एसटीएफ के लिए, यूपी पुलिस के लिए, क्योंकि इसमें एक पुलिस का जवान भी शहीद हुआ है और दूसरा जवान अभी बिल्कुल एकदम गंभीर हालत में। और सबसे बड़ी बात, अधिवक्ता जो है उमेश पाल, उनकी भी घटना में मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं ये तीनों की जो गठजोड़ है उसको लेकर पुलिस थ्योरी बना रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जो शूटर जो अभी फरार चल रहे हैं, उनका नेपाल में भागना ये बताया जा रहा है, कयास ये लगाए जा रहे हैं सूत्रों द्वारा कि नेपाल भी वो भाग सकते हैं, क्योंकि आसपास जो सबसे पास में जो देश है, क्योंकि देखिए नेपाल की जो बात करूँ, वहाँ पे कानून एक अलग है, वहाँ पे एक अलग कानून है, अलग संविधान है। तो उसी हिसाब से जो सबसे ज़्यादा जो सेफ मानते हैं, नेपाल को मानते हैं बिहार के रास्ते, वो नेपाल भी रास्ते हैं। तो नेपाल में जितने भी इनपुट हैं उनको पूरी तरह से तैयार किया गया, मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया है। नेपाल के आसपास के जितने भी बॉर्डर है, चाहे महाराजगंज हो गया, चाहे गोरखपुर हो गया, चाहे आपका इधर सुनौली बॉर्डर हो गया, चाहे आपका रुपड़िया हो गया, चाहे नानपारा हो गया, यहाँ पर पूरी तरह से यूपी पुलिस के और एसटीएफ को और एटीएस को सक्रिय किया गया है और यहाँ पर तैनाती दी गई है कि जो भी मुखबिर तंत्र है उन्हें सूचना के तौर पर ये बताया गया कि ये लोग जो हैं शूटर हैं, काफ़ी दिनों से भागे हैं। और साफ साफ दूसरी बात ये है कि इनके ऊपर जितने भी सभी शूटर्स हैं, इनके ऊपर 50,000 का इनाम घोषित किया गया है। जो मारा गया अरबाज है जिसकी कल मौत हुई इनकाउंटर में, उसके ऊपर भी 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। और फिलहाल ये भी बात सामने रखी गई यूपी पुलिस के द्वारा कि जो भी इन लोगों का पता देगा, उसकी पूरी तरह से नाम उसे गुप्त रखा जाएगा। और कहीं ना कहीं अगर जो भी इन्हें पनाह देगा,
तो वो भी पूरी तरह से दोषी होगा। जो धारा इन पर लगी वो धारा इन जो पनाह देगा इनको उन पर भी लगेंगे। तो वो कहीं ना कहीं इन पनाह देने वालों के लिए भी एक बहुत बड़ी खबर है कि अगर आप किसी गुनहगार को पनाह देते हैं तो कहीं ना कहीं यूपी पुलिस का शिकंजा आप पर ही कसना आता है। और फिलहाल पुलिस ने हर जगह से पूरी तरह से मैपिंग कर रखी है, आसपास के तमाम जिलों में लगातार दबिश हो रही है, आसपास के जिलों में भी, आसपास के राज्यों में भी तमाम जगह से गिरफ्तारियाँ की गई हैं। फिलहाल देखना ये भी है कि जो बच्चे जो 8 शूटर हैं उनकी गिरफ्तारी होती है या फिर इनकाउंटर में मार गिराए जाते हैं। जी धन्यवाद सागर तमाम जानकारियों के लिए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें अंधाधुंध फायरिंग करते हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। इस हमले में उमेश पाल को मारा गया है। इस हमले के बाद सोशल मीडिया पर गुड्डू मुस्लिम खूब ट्रेंड हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि बाहुबली अतीक अहमद ने गुड्डू मुस्लिम को जिम्मेदारी दी थी कि वो उमेश पाल का कत्ल करे। दरअसल लगभग 18 साल पहले बसपा विधायक राजू पाल का कत्ल हुआ था। इस कत्ल कांड में अतीक अहमद आरोपी हैं और उमेश पाल इस कत्ल कांड के गवाह थे। यही वजह है कि लोग आरोप लगा रहे हैं अतीक अहमद ने उमेश पाल को ठिकाने लगवाया है। हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, उमेश पाल हत्याकांड में सबसे बड़ा जो नाम सामने आ रहा है वो गुड्डू मुस्लिम का, आखिर ये कौन है गुड्डू मुस्लिम? ट्विटर और तमाम सोशल मीडिया साइट पे गुड्डू मुस्लिम का नाम ट्रेंड कर रहा है। वही आपको बताया कि तमाम लोग इसको पोस्ट करके और तमाम जानकारियों को साझा कर रहे हैं। वही आपको बताएं कि गुड्डू पंडित का इतिहास है वो अगर देखा जाए तो लंबे समय से आपराधिक रूप में एक अपनी पहचान रखता है। साथ ही बताया जा रहा है कि गुड्डू पंडित जेल में बंद अतीक अहमद के इशारों पर उनके तमाम जो कार्य होते थे, जो धमकी होती थी, जो फिरौती होती थी, उसमें गुड्डू पंडित कहीं ना कहीं घटने को अंजाम दिया करता था। वही आपको बताया कि गुड्डू पंडित का अगर आपराधिक इतिहास देखें तो 2001 में लगभग बात करें तो गुड्डू पंडित को गिरफ्तार किया गया था गोरखपुर के अंदर में, जिसके बाद अतीक अहमद ने गुड्डू पंडित माफ करिएगा गुड्डू मुस्लिम की कहीं ना कहीं जो गिरफ्तारी हुई थी उसमें पूरी तरह से गुड्डू पंडित गुड्डू मुस्लिम के साथ पूरी तरह से अतीक अहमद खड़े हुए थे। वही आपको बताएं कि गुड्डू पंडित को अगर देखा जाए तो आमतौर पर ऐसे कई सारे मुकदमे हैं जिसमें ठेका दिलवाने में और कहीं ना कहीं जब उत्तर प्रदेश के अंदर में रेलवे का ठेका था तो उससे भी कहीं ना कहीं तार जुड़े नजर आ रहे हैं। वही आपको बताएं कि गुड्डू मुस्लिम उत्तर प्रदेश समेत बिहार में भी आपराधिक इतिहास कर चुका है। साथ ही अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के कुख्यात अपराधी श्री प्रकाश शुक्ला से भी कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। वही आपको बताएं कि माना ये जा रहा है कि उमेश पाल हत्याकांड में जो पूरी रूपरेखा थी वो गुड्डू मुस्लिम के द्वारा बनाई गई थी, जिसमें साबरमती जेल में बंद उत्तर प्रदेश के माफिया अतीक अहमद और साथ ही साथ यूपी जेल में बंद उसके भाई द्वारा व्हाट्सएप कॉल के जरिए ये संपर्क में भी था। वही बताया ये भी जा रहा है कि जो भी घटना प्रयागराज में हुई है उसमें गुड्डू मुस्लिम का बड़ा हाथ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस के लिए कहीं ना कहीं गुड्डू मुस्लिम पर कार्रवाई और धरपकड़ की जो कार्रवाई है उसमें तेजी लाई जा रही है, मगर अभी अगर बात की जाए तो कहा जा रहा है अभी आधिकारिक सूचना नहीं है कि गुड्डू मुस्लिम उत्तर प्रदेश की सीमा को छोड़कर कहीं बाहर जा चुका है। वहीं अगर देखा जाए तो इसमें मुख्य कल देर रात धरपकड़ में जो जिससे आरोपी की पकड़ हुई इसमें कई ऐसे पहलू निकल के आए जिसमें गुड्डू मुस्लिम पूरी तरह से इस घटने का मास्टरमाइंड नजर आता है। जी विवासु, उमेश पाल हत्याकांड में गुड्डू मुस्लिम का कनेक्शन पाया गया है तो पुलिस द्वारा इस पर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है अभी तक? जी अगर बात की जाए तो कल देर सब आपने देखा कि एक आरोपी की एनकाउंटर हुई, उसके ठीक बाद देर रात अलाहाबाद के मुस्लिम हॉस्टल से एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई जिसमें कई ऐसे पूछताछ में पहलू निकले, उसमें साफ तौर से गुड्डू मुस्लिम का नाम सबसे ऊपर निकल के आ रहा है कि घटना में कहीं ना कहीं जो बम बने हैं
उसमें भी गुड्डू मुस्लिम के नाम आ रहे हैं कि गुड्डू मुस्लिम पूर्व में बम बनाने का जानकार भी है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जब पुलिस गुड्डू मुस्लिम पर शिकंजा कसेगी उस समय गुड्डू मुस्लिम के जो आरोप है वो कितने उनसे तय होंगे। और वही साथ ही बात की जाए तो प्रयागराज कमिश्नरेट लगातार धरपकड़ कर रही है हर एक पहलुओं को आखिरी तक जाकर, और जो तमाम आरोपी हैं उनकी पकड़ के लिए हर एक मुमकिन प्रयास चल रही है। अगर बात की जाए मयूरी तो लगभग माना जा रहा है कि इस पूरे वारदात में 12 जो शूटर इसमें सम्मिलित हुए थे, उसमें से प्रमुखता से अगर बात की जाए तो गुड्डू मुस्लिम शूटरों को पूरी तरह से अगुवाई कर रहा था। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस की पूछताछ में जिस अभियुक्त को देर रात गिरफ्तार किया गया उससे और क्या क्या चीजें बाहर आती है। देर शाम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज कमिश्नरेट के कमिश्नर एक प्रेस ब्रीफिंग देंगे जिसके बाद साफ हो पाएगा कि तहकीकात में क्या क्या चीजें सामने अब तक निकल के आई है। जी धन्यवाद प्रियांशु तमाम जानकारियों के लिए। उमेश पाल हत्याकांड में जांच अब और भी तेज हो गई है। हत्याकांड में शामिल सभी शूटरों पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस सदाकत खान को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। अतीक और अशरफ ने हत्याकांड की साजिश रची थी। बता दें सदाकत खान को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। उमेशपाल हत्याकांड में और भी जांच तेज हो गई है। हत्याकांड में शामिल सभी सूत्रों पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया है। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक शाही हमसे जुड़ेंगे। विवेक, उमेशपाल हत्याकांड में जांच अब और भी तेज हो गई है। हत्याकांड में शामिल सभी सूत्रों पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया है। तरीके से बसपा के पूर्व विधायक रहे राजीव पाल के मुख्य गवाह उमेश पाल की प्रयागराज में सनसनी खेज जो है वो हत्या कर दी गई। इससे उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पे लगातार सवाल उठ रहे थे और जिस तरीके से इसमें से एक अपराधी अरबाज को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया, उसके बाद सभी जो अपराधी तत्व है जो आरोपी है उनसे 50,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। और माफिया जो है अतीक अहमद के बेटे पे भी जो है 50,000 का इनाम घोषित कर दिया गया। और जिस तरीके से नफीस और सादत की गिरफ्तारी हुई है, मैं बता दूं नफीस वही आदमी है जिसकी गाड़ी क्रेटा का इस्तेमाल इस हत्याकांड के लिए किया गया था और बाद में प्रयागराज के इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मुस्लिम छात्रावास कमरा नंबर 36 के सादत खान की गिरफ्तारी हुई थी जहां वो रहता था। और कहा जा रहा है कि इसी कमरा नंबर 36 में उमेश पाल की हत्या का तुरंत भी रखा गया था। पुलिस ने बताया था जो है उसकी लोकेशन को डिटेल निकाल के वो अपराधी तत्वों की करीब पहुंच रही है और ये सभी पे जो है 50,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया। पुलिस ने बकायदा लोगों से अपील भी की है कि अगर इस स्थिति में कोई भी संरक्षण मांगे जो आपको संदिग्ध लगे तो तुरंत पुलिस को कार्रवाई की पुलिस को बताया जाए, इसके बाद पुलिस के बाद कार्रवाई करेगी। इसके बाद भी ये निर्देश दिया गया है कि जो रकम इनाम की वो भी बढ़ाई जाए ताकि जो पब्लिक भी है वो भी आरोपियों को पकड़ने में मदद करे। पुलिस ने साफ निर्देश किया है कि अगर कोई भी संदिग्ध आपको लगता है जो संरक्षण की मांग करता है तो सबसे पहले आप पुलिस को बताइए, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। जी विवेक, अगर देखें तो इस उमेश पाल हत्याकांड में राजनीति भी अब गर्माती जा रही है क्योंकि सदाकत खान है उसकी तस्वीर वायरल हुई है भाजपा के पूर्व विधायक के साथ और अखिलेश यादव के साथ। देखिए मयूरी, सोशल मीडिया का जमाना है और हम जान रहे हैं कि सोशल मीडिया में किस तरीके की तस्वीरें जो है यहाँ से लेकर पूरे दुनिया तक वायरल होती रहती है। इंटरनेट का ऐसा जमाना है कि अगर आप उत्तर प्रदेश में बैठे हो तो बाकी अन्य देशों विदेशों में भी आपकी तस्वीरें वायरल हो सकती है। इस तरीके से देखा जाए तो आज सुबह सुबह ही अखिलेश यादव के साथ सादत खान की तस्वीरें दिखी गई, सपा कार्यालय की ये तस्वीरें हैं। उसके बाद बीजेपी के एक विधायक के साथ भी सादत खान की तस्वीरें दिखी गई। तो इन तस्वीरों के देख के साफ है कि सादत खान जो है
वो राजनीति संगठनों से भी जुड़े होने की बात कही जा रही है। तमाम बड़े लोग तक उसकी फोटोज भी है। सुबह भारतीय जनता पार्टी ने इसे अखिलेश यादव के साथ फोटो को लेकर ये बात छोड़ी की थी। अखिलेश यादव का किस प्रकार से अपनी चौमक के साथ कनेक्शन है, इस पर भी बात छोड़ी थी। लेकिन उसके बाद बीजेपी विधायक के साथ जब एक तस्वीरें वायरल हुई तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने भी तस्वीरों पर पलटवार किया है। और अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि ये सोशल मीडिया का जमाना है, किसी के साथ भी फोटो खिंचाई जा सकती है। कल ही जो है विधानसभा अध्यक्ष के आवास से जो वोट हुआ था, उस दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी उनकी फोटो थी, तो इसको ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए, ऐसा सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना था। मेरू जी धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। चार बजे की चार बड़ी खबरों में इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।